सो गुड इवनिंग एवरी वन एंड नमस्कार दोस्तों. आई वेलकम यू ऑल टुडे इन द ब्रीफिंग सेशन फॉर EXP ग्लोबल इंडिया आर बिजनेस मॉडल. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम टू अटेंड दिस सेशन. सो टुडे वी हैव ऑन पैनल विद अस मेगन कैली. शी इज़ द डायरेक्टर ऑपरेशंस फॉर EXP रियल्टी ग्लोबल. And also we do have Soumya Buddhiraja. She's an onboarding specialist in my team and she's based out of Gurgaon in India. And she's taking care of onboarding all our agents who wanted to join EXP. And she's very diligent in terms of his work. And I quickly wanted to give a brief about myself. I'm Shashank Vashisht and I'm looking for the expansion for India. And I'm the executive director for EXP India. Guys, can you hear me? Soumya, can you hear me? Yes, very much. Okay, great. Sorry, my screen got blurred. Okay, so I am the executive director for EXP India, and I'm taking care for the expansion for this company. And I am happy to announce that we have started our operations in India on 30th or 16th of November. So it's been 30 days we are working here in India. So मैं हिंदी में ही बता देना चाहता हूँ. सो मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ EXP इंडिया का. एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं EXP इंडिया को इंडिया में एक्सपेंड करूँ. एंड जो हमारी टीम है, जैसे कि हमारी वर्ल्ड में ग्रोथ हुई है, वैसे ही हम इंडिया में भी अपनी ग्रोथ देखें. हमने इंडिया में अपने ऑपरेशन 16 नवम्बर को शुरू किए थे, हाँ जी, एक महीने पहले. एंड जो हमें रेस्पॉन्स मिला है, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. हमें अब तक 2000 से ज्यादा लोगों ने अप्रोच किया है जो कि EXP इंडिया में जुड़ना चाहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट स्टेट से, जो कि EXP ज्वाइन करना चाहते हैं. बिकॉज ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, ना कि केवल अमेरिका में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड पिछले 2 महीनों में हमने 5 कंट्रीज में अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं. इंडिया उनमें से एक है. एक महीने के अंदर वी हैव 200 प्लस एजेंट्स जिन्होंने हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया, जिनका प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है. और जिसमें से 40 प्लस एजेंट हैं जिन्होंने अपना ऑनबोर्ड प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है. उन्होंने अपनी लिस्टिंग्स डालनी शुरू कर दी है, उनको लीड्स आनी शुरू हो गई हैं. और जैसा कि हम देख रहे हैं, हम जल्दी एक ट्रांजेक्शन क्लोज भी होती हुई देख रहे हैं किसी एक एजेंट की. सो अगर आप देखेंगे, एक महीने के अंदर इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सोमे, कैन यू प्लीज स्टार्ट नेक्स्ट. सो बिफोर गो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ ब्रीफ अबाउट द कंपनी. सो EXP रियल्टी जो है एक लिस्टेड कंपनी है नेस्टेक में, एंड ये पार्ट है EXP वर्ल्ड होल्डिंग्स. तो अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे EXPI के नाम से, तो आपको दिखेगा कि कंपनी कब शुरू हुई थी, कैसे कंपनी की ग्रोथ है. तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. जब कंपनी लॉन्च हुई थी 2009 में, तो उस टाइम पे सब लोग फिजिकली ब्रोकरेज पे काम करते थे. बट द कॉन्सेप्ट जो था, कंपनी के जो फाउंडर थे ग्लेन सैनफोर्ड, उनका एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे एक रियल एस्टेट ब्रोकर और ब्रोकरेज की कॉस्ट को कम किया जाए. सो ऐसे ये कंपनी बनी, और कंपनी को इस तरीके से बनाया गया कि जितने ऑपरेशन, जितने हमें यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमें चैलेंजेस आते हैं एक ब्रोकरेज में और एक रियल एस्टेट ब्रोकर को, तो उसको कैसे ओवरकम करें. सो बिफोर स्टार्ट, आई वुड लाइक टू कॉल मेगन. मेगन, आर यू देयर? Yes, I'm here. Hello. हेलो एवरीवन. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मेगन. एज आई मेंशन, शी इज अ डायरेक्टर ऑपरेशन फॉर EXP रियलिटी. एंड मेगन, आई वुड लाइक टू call you on the stage and, give a brief about yourself and about the Absolutely. company. So thank you very much, Shashank, for having me. I am very excited to be here on this call. You guys have seen such growth over just 1 month, and it's just going to get bigger and better every day. I've been with EXP Global for about 4 months now. I have 18 years of experience in real estate industry and have done some work with franchises in India. So it was super exciting for me to be able to work with Shashank and Samia and the team there to help grow EXP India. So just to give you a little bit of insight into EXP and what we've been doing lately, our growth is phenomenal. We recently announced 40,000 agents worldwide. A year ago, we had 25,000. So we've increased our agent count 60% year over year, and we expect to keep going.
We purchased Success Magazine, and that includes the URL success.com. So they're currently working through what we can do with that and how that's going to grow. We've rebranded EXP, so you'll see new logos coming out soon. And we held our first virtual EXPCon, which is our annual conference, and we had 17,000 attendees from 35 different countries. We opened EXP Commercial, so you'll start hearing a lot more about that. And just in the last 3 months, you know, as Michael Valdez likes to say, without even getting on a plane, we opened 5 countries. We opened South Africa, India, Mexico, Portugal, and France. And that's in addition to the already existing countries we had with UK, Australia, the US, and Canada. So that's just in 4 months. And so I'm pretty impressed by this company, and I am so excited to be here. And I can't wait to just see what you guys can do in India and see the growth there and see what Shashank will come up with as our leader there. So I'll pass it back to you, Shashank. Thank you so much for having me here, and let me know if you guys have any questions at all. Thank you. So Megan, thank you so much. So इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं फटाफट से एक बार रिकैप करना चाहूंगा जो मेगन ने बोला हिंदी में, बिकॉज आज हमारा सेशन जो है वो मोस्टली हिंदी में रहेगा. सो मेगन हैज एक्सप्लेन्ड, शी उन्होंने अभी ईएक्सपी ज्वाइन किया था 4 महीने पहले. इससे पहले वो 18 साल उनको टोटल एक्सपीरियंस है, एंड ग्लोबल रियल इस्टेट मार्केट में एक कंपनी थी रियोलॉजी में. रियोलॉजी इज अ पेरेंट कंपनी जिनके सारे ये छोटी कंपनी है, मतलब जिसकी सब्सिडरीज हैं, आपने नाम सुने होंगे कोल्डवेल बैंकर, Century 21, ERA, Better Homes and Garden, and Sotheby's International Realty. And वो मैनेज कर रही थी इन सबको, फ्रेंचाइजी को, और कलेक्टिवली शी हैज ओपन्ड मोर देन 70 कंट्रीज. सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी डू हैव, एंड इट्स नॉट ओनली मेगन, सो वी डू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ आर एग्जीक्यूटिव्स जो कि बेस्ड हैं, जो कि इस कंपनी को चला रहे हैं. तो मेगन ने एक और चीज बड़ी छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, कंपनी की जो ग्रोथ है वो एक ट्रिमेंडस ग्रोथ है. पिछले कुछ महीनों में जो हमने ग्रोथ देखी है उसका रीजन पैंडेमिक भी है, क्योंकि सब लोगों के जो स्पेशली फिजिकल ऑफिसेस थे, जो ब्रोकर्स फिजिकली काम कर रहे थे, उनका बिजनेस एकदम स्लो हो गया था, कम हो गया था. और जो लोग टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड थे उन्होंने बहुत अच्छा करा है. इंडिया के अंदर भी जो डेवलपर्स ने टेक्नोलॉजी का यूज किया उन्होंने काफी अच्छी सेल्स देखी है, जितने उन्होंने पिछले 2 साल में नहीं देखी थी. कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी भी हैं जिनका मैं नाम बोलूंगा, स्क्वायर यार्ड्स हो गई, 360 हो गई, इन्वेस्टर्स क्लिनिक हो गए. तो उन्होंने क्या किया है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने बहुत ग्रोथ करी. बट जो ब्रोकर जिनकी वेबसाइट नहीं थी, जिनके पास ये मीडियम्स नहीं थे, CRM नहीं था, उन लोगों का बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया. छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ग्रोथ में कंपनी इतनी बड़ी होती जा रही है दिन प्रतिदिन. अभी उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैगजीन कंपनी जिसका नाम है सक्सेस मैगजीन, जैसे कि हमारी GQ है, हमारी वोग है. तो ये एक मोटिवेशनल मैगजीन थी जिसमें वर्ल्ड के जितने भी लीडर हैं, अगर आप जाके चेक करेंगे success.com, तो पूरी कंपनी को अभी खरीदा है हम लोगों ने. अभी ये जो बाकी कंपनीज की लिस्ट देख रहे हैं, तो EXP Realty इज द बिगेस्ट कंपनी अमंग ऑल. सो 95% जो हमारा बिजनेस आता है वो EXP Realty से आता है. वैसे ही एक कंपनी है EXP Global जो कि पार्ट है EXP World Holdings, हमारी पेरेंट कंपनी का. Virvela एक कंपनी है जो कि एक IT कंपनी है, जिसने एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी डिजाइन करी थी, जो हमने पूरा अपना EXP World बनाया है, वो एक वर्चुअली बनाया है, क्रिएट करा है वर्चुअली. सो अगर मैं बात करूँ Virvela की, तो खाली EXP नहीं, इन्होंने काफी अदर जो कहते हैं ना, डेलॉयट जैसी कंपनी होगी, स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी होगी, उन सबको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया है. हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये कंपनी भी ओन्ड बाय EXP है. तो अगर कंपनी की मैं बात करूँ, कंपनी एक नेस्टेक लिस्टेड कंपनी है, हाँ जी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. और जो कंपनी की ग्रोथ है उसको जो कंपेयर किया जाता है कंपनी को आज के टाइम में, अगर आप जाएंगे गूगल करेंगे EXP के बारे में, तो आपको दिखेगा कि EXP को US में लोग कहते हैं Amazon है ये रियल एस्टेट का. उसका रीजन ये है, Amazon कहने का, जैसे Amazon की ग्रोथ थी 2 साल में 3 साल में एकदम 1,000 ऑर्डर से लाख ऑर्डर तक, तो वैसी ही ग्रोथ इस कंपनी ने देखी है कंपनी ने पास्ट में. एंड ये शोकेस IDX एक्सप्रेस ऑफर, ये क्या है, अलग कंपनीज हैं, ये टूल्स हैं, इसमें होता क्या है, बड़े काम के टूल्स हैं, बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है. तो इसमें होता क्या है, ये ना कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हैं और उसी के बेसिस पे लीड जनरेट करते हैं. ऑल्सो एक ही पोर्टल से आप, जैसे
बहुत सारे लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल्स होते हैं, सब पे एक चैनल से जाते हैं, और जो कि ईएक्सपी एक्चुअली इंडिया में भी कर रहा है। तो ऐसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कंपनी की ग्रोथ होगी इंडिया में, वैसे वैसे हम इन सब टूल्स का भी इंडिया में लेके आएंगे। सो मैम, कुड यू प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। So this is what I have discussed. This is one of the fastest growing real estate brands in North America. Now I can say, ये खाली North America में नहीं है, पूरे world में है। जैसा कि मैंने बताया, कोई real estate company ने आज तक पूरी history में 3 महीने के अंदर 5 countries नहीं launch करी है, और वो भी बिना कोई flight लिए, बिना कुछ लिए। So this is the power of technology, I can say. And जो growth है, मैं growth की बात करूँगा, पिछले 3 महीने के अंदर हमने 8,000 agent देखे हैं जिन्होंने EXP Realty पे migrate किया है। और ये जो agents हैं, ये पूरे competitive market के agents हैं। ये कभी Remax के साथ काम कर रहे थे, या Keller Williams के साथ कर रहे थे, या फिर Coldwell Banker, या other brokerage अपनी personal। बट जो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हमने करा है, और जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी ब्रोकरेज के लिए और किसी भी एजेंट के लिए, वी आर लिटरली सपोर्टिंग देम, बिकॉज वी आर नॉट अ फ्रेंचाइजी। सारे ऑपरेशंस कंपनी ओन्ड है। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ प्लेसेस टू वर्क, तो ग्लासडोर एक रेटिंग एजेंसी है, और ये लाइक इट्स अ थर्ड पार्टी जो कि सारी कंपनी इसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक करती है। उसकी रेटिंग के हिसाब से भी पिछले 3 साल में हम सबसे अच्छी कंपनी है रियल एस्टेट में, पूरे वर्ल्ड में काम करने के लिए। सो अब मैं आपको छोटा सा दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं विरबेला जो मैंने बताया था, तो ये हमारा एक ऑडिटोरियम का एक छोटा सा स्निपशॉट है। तो ये जो इतने लोग देख रहे हैं, ये सब लोग एजेंट्स हैं। ये हमारा ऑडिटोरियम, जैसे हम कोई भी फिजिकल ऑडिटोरियम में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम सेमिनार्स करते हैं, वहाँ पे पैनलिस्ट होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, तो यहाँ पे हम सारे सेशंस ऐसे करते हैं। तो जस्ट इमेजिन, अभी जैसे मेगन ने बताया, हमने अपना एक जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, बिकॉज ऑफ कोविड हमने वर्चुअली किया था इस साल, एंड एक बार में, एक टाइम में 17,000 लोगों को एक टाइम पे एक ऑडिटोरियम के अंदर हमने देखा था। दैट्स द मैक्सिमम वी हैव हिट। तो यू कैन सी, और वो जो 17,000 लोग थे, वो 35 कंट्रीज से, मतलब 35 डिफरेंट कंट्रीज से सेम टाइम पे बैठ के उसको अटेंड कर रहे थे। कोई, मतलब मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने इस तरीके का कोई कॉन्फ्रेंस करा हो। मतलब फुटबॉल अगर कोई मैच हो रहा है तो बात अलग है, बट अदरवाइज यू वॉन्ट सी दिस काइंड ऑफ यू नो गैदर और ऑडियंस। सो कुड यू प्लीज गो। So Showcase IDX, what I have discussed, you know, this is a tool and this is not unfortunately available in India, क्योंकि ये काम करता है MLS पे, जो कि MLS एक तरह से 99 acres है US का, और वहाँ पे सारी listings होती हैं, उसके basis पे ये सब करता है, but वो India में नहीं है MLS system, क्योंकि India का market इतना organized नहीं है अभी, तो ये tools हम यहाँ पे implement नहीं कर पा रहे हैं। So मैं next please। सो मैं फटाफट से आपको अपने टॉप लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, ग्लेन सैनफोर्ड, ही इज अ विजनरी, एंड जो चीज उन्होंने 10 साल पहले सोची थी कि क्या होगा अगर सब लोग, फॉर एग्जांपल, फिजिकल ऑफिसेज बंद हो जाएं, कैसे लोग काम करेंगे, क्या फ्यूचर होगा रियल एस्टेट का। सो तब उन्होंने ये सोचा कि भाई हम इसको कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे ना केवल लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ट्रांसपेरेंसी मिले, बट वो कहीं से भी बैठ के काम करें और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जी हाँ, एक, मतलब 10 साल पहले उन्होंने ये सोचा और उस पर काम करना शुरू किया। और जैसे आपने देखा है, सारी कोई भी कंपनी है, चाहे उबर है, चाहे आपकी अमेजोन है, चाहे आपकी कोई भी आप एक एग्जाम्पल उठा लें, सारी चीजें पहले वो US मार्केट में लॉन्च करते हैं, देन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करते हैं। तो वैसे ही ये कंपनी ने अपना पूरा रिकॉर्ड एक US में पूरा बनाया है, उसके बाद में वो ग्लोबली एक्सपेंड करना शुरू करा है। सो जेम्स ब्रैम्बल, अगेन ही इज टेकिंग केयर ऑफ आर लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। जेफ इज अ CFO फॉर द कंपनी। Courtney is a marketing head, and John is our CIO. So he is taking care of all our, content, जो भी आप देखते हैं हमारी वेबसाइट पे, सारे डिजाइनिंग पे। सो ये हमारा जो टॉप लीडरशिप है, उसके बारे में बात करा। अब मैं बात करता हूँ EXP Realty के जो मैनेजमेंट है, जो की पर्सन है, जेसन गेसिंग इज द CEO। सो लास्ट टाइम उन्होंने जब वेबिनार किया था, जेसन वॉज देयर, एंड देन वी हैव एलेक्स हु इज टेकिंग केयर ऑफ टेक्नोलॉजी पार्ट, की जो हम नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उनको सबको फोकस करना, इम्प्लीमेंट करना। इंडिया के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट कराया, बहुत टाइम लगा हमें, 2-3 महीने कि हम सारी चीजें इंडिया के हिसाब से बनाएं। स्टेसी इज टेकिंग केयर ऑफ अवर ब्रोकरेज, जो कि हमारी क्या कहते हैं, पूरे US में एक ब्रोकरेज आर्म भी है, उसको पूरा देख रही है। माइकल विल बी ज्वाइनिंग अस इफ ही गेट्स टाइम,
he's having a doctor's appointment, so maybe abhi wo aake hume join karenge agar aa jate hain. So I'll tell you a brief about Michael. He's having he's an industry I can say like expert when it comes to the global real estate market. Haan ji dosto, 25 saalon se agar aap koi bhi brand baat karenge इंटरनेशनल रियल इस्टेट मार्केट में, जिसमें कि 15 साल वो रियलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने ये 5 ब्रांड जो आप देख रहे हैं, बेटर होम्स एंड गार्डन, सेंचुरी 21, कोल्डवेल बैंकर, कॉनकॉरन, ERA एंड सॉथबीज इंटरनेशनल रियलिटी, तो कलेक्टिवली इन्होंने 100 कंट्रीज ओपन करी है 15 साल के अंदर. और ये ही एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन व्हेन इट कम्स टू यू नो ग्लोबल एक्सपेंशन. सो नो वन नोज द ग्लोबल मार्केट बेटर देन हिम इन माई ओपिनियन. एंड कलेक्टिवली इन हिज लास्ट रोल उन्होंने 100 कंट्रीज ओपन करी थी, और 70 कंट्रीज कलेक्टिवली इन्होंने लॉन्च करी थी. इंडिया उनमें से एक थी बैक इन 2015. देव कोनार्ड इज लुकिंग फॉर आवर ग्रोथ. हम अपने एजेंट को, ये नहीं है कि खाली बस एजेंट्स को हमने करा, हम हर तरीके से एजेंट्स को कोशिश करते हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको नॉट ओनली इन देयर पर्सनल बट यू ऑल्सो ट्राई टू यू नो ग्रो देयर टीम. सो जैसा कि मेगन ने बताया था, वी ऑल्सो हैव अ कॉमर्शियल आर्म बट इट्स ऑपरेशनल इन US, एंड जेम्स हुआंग इज यू नो प्रेजिडेंट फॉर द कॉमर्शियल, एंड वो अभी कॉमर्शियल वहां पे देख रहे हैं. प्लीज असोम नेक्स्ट. सो मैं बात करता हूँ कि EXP को क्या मॉडल, क्या खास बात है EXP के मॉडल में जो इसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, और नॉट ओनली अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा यूजफुल बनाता है. तो जैसा मैंने बताया, एक तो सबसे बड़ी चीज इन्होंने क्या करा है, जितने भी हमारी जरूरत है एज अ एजेंट, एज अ ब्रोकर और ब्रोकरेज की, और उन सबको एक इन्होंने क्लाउड बेस्ड पे बना दिया, लाइक वर्चुअल क्रिएट कर दिया है. इन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिसे हम EXP वर्ल्ड कहते हैं. इसके साथ में हमारे पास टूल्स हैं जो हमारे CRM है, हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिससे हम एक ही सिस्टम पे एक बार लिस्टिंग करके वो लिस्टिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जाके वो दिखती है हमें. साथ में हमारा सबसे बड़ा जो आइडिया है बीइंग अ ब्रोकर, सो मैं बताता हूँ, जो फाउंडर थे वो भी एक ब्रोकर थे, जो कि वन ऑफ द टॉप ब्रोकर थे अमेरिका में. तो वो समझते हैं कि क्या एक ब्रोकर को चाहिए होता है, उनकी नीड्स क्या है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमने अपने आप को चेंज किया है. और मैं अभी आगे जैसे बताऊंगा इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जैसे जैसे हमने ग्रोथ देखी है, मतलब जैसे जैसे हमने लॉन्च करा, मैंने पर्सनली अपना एक्सपीरियंस दिया, बहुत सारे लोग थे जिनसे हमने एक्सपर्ट एडवाइस ली कि कैसे हम इसको मोल्ड बने, और उसी हिसाब से हमने अपने मॉडल बनाया इंडिया के लिए, थोड़ा सा टीक करके. बेसिक जो चीजें हैं हमने सेम रखी है US के हिसाब से, कुछ कुछ चीजें हैं, एक आध चीज जिसे मैं बोलूंगा वो हमने थोड़ा सा चेंज किया है. क्या इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, और क्या सबसे बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन है? एक तो सबसे बड़ा है कि हम सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में अब ब्रोकरेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो स्प्लिट. कोई भी ब्रोकरेज की अगर स्प्लिट की बात करेंगे तो वो शुरू करता है 20-30-50-40% से. अगर मैं बात करूंगा इंडिया में कुछ और था फ्रेंचाइजी मॉडल, चाहे वो रीमैक्स है, कोल्डवेल बैंकर है, सेंचुरी 21 थी, तो उन्होंने अपना जो मॉडल बनाया था वो 30%, 40%, 50%, आपको एक ज्वाइनिंग फीस है अपफ्रंट जो कि आपको देनी पड़ेगी. अगर कोई ब्रोकर ओनर हो, आपने किसी सिटी की फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको लाइसेंसिंग फीस देनी होगी, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 50,000. सो ये सब चीजें ना ये नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे पूरा का पूरा कंपनी का ऑपरेशन है, आप डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कोई और बीच में जो कहते हैं ना, कोई और ओनर नहीं है, कोई लीडर नहीं है. फिर इसके बाद में इसको जो बहुत अट्रैक्टिव बनाता है वो है इसका रेवेन्यू शेयर और इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम. तो यहाँ पे क्या है, जो अगर फॉर एग्जांपल कल को आप अपनी टीम बनाते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है उसके शेयर से, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. और तीसरा जो है इक्विटी अवार्ड. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये कंपनी जो है इट्स ओन्ड बाय द एजेंट ओनली, दिस इज ड्रिवन फॉर एजेंट एंड फॉर द एजेंट. सो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम सर्विसेज हैं, हमारी जो कंपनी के शेयर्स हैं जो कि लिस्टेड एंटिटी है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो वो सब कुछ ओन्ड बाय एजेंट्स है. सीधे एजेंट्स अपना जो इन्वेस्टमेंट है उससे शेयर खरीद सकते हैं, इक्विटी खरीद सकते हैं कंपनी के अंदर. जी हाँ, जो इसको बहुत ज्यादा अच्छा बना देती है. तो दोस्तों मेरे साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर है दिमाग में, या क्वेश्चन है किसी का भी, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन एंड आंसर Q&A का एक टैब है, उस पर जाके आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं. हम इस सेशन के बाद में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे. जो एक घंटे का सेशन है उसे 35-40 मिनट में हम फटाफट से इसको कवर करेंगे, एंड लास्ट के जो 15 मिनट होंगे उसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. तो जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरीज है किसी भी पॉइंट पे, तो वो चैट बॉक्स में जाके डाल सकता है या Q&A पे टाइप कर सकता है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है EXP का इंटरनेशनल फुटप्रिंट. ऑलरेडी हमारे जो ऑप्शंस हैं पूरे कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, मेक्सिको में, UK, पोर्चुगल, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. सो दीज आर यू नो ऑलरेडी जहाँ पे हमारे ऑपरेशंस हैं.
और इससे बड़ी अच्छी बात यह है, जो कंपनी 2021 जो हम देख रहे हैं उसमें हमारा टारगेट है ऐसी मतलब 10 से ज्यादा कंट्रियां लॉन्च करने का। तो जो कंपनी का ग्रोथ है वो तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम इतना एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि सब कंट्रीज में रियल एस्टेट होता है, हर कंट्री में प्रॉपर्टी बिकती है और हर कंट्री में ब्रोकरेजेस है, और सबके खर्चे को सबको हम चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, अपनी कॉस्ट को कम करें, अपना कमीशन ज्यादा लेके जाएं, क्योंकि ब्रोकरेज में एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आपको क्या कमीशन मिल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। सो अभी मैं फटाफट से, जैसा कि मैंने बताया, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द एक्सपेंशन इन इंडिया, आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इन टर्म्स डेजिग्नेटेड मैनेजिंग ब्रोकर, जो कि एक यूएस की टर्म है। सो आई एम वर्किंग एज दिस रोल। सो बिफोर ज्वाइनिंग ईएक्सपी, मैं सॉथेबीज इंटरनेशनल रियलिटी का पार्ट था, वहाँ पे मैं लगभग 4 साल था। और सॉथेबीज, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये एक लग्जरी सेगमेंट में रेजिडेंशियल कंपनी है, और ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल था जो कि बिजनेस ग्लोबली है, 70 कंट्रीज में प्रेजेंस थी, और हम लोग इसको इंडिया में ला के फिर इंडिया में इसका ऑपरेशन शुरू किया था 2016 में। 2015 में कंपनी आई थी, 2016 एंड में मैंने ज्वाइन किया था। एंड ड्यूरिंग माई टेन्योर मैंने बड़ी सारी ट्रांजेक्शन करी, काफी सारे पोर्टफोलियो मैनेज करे इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल, मैं कहूँगा मोस्ट प्राइम रेजिडेंशियल हम लोगों ने ट्रांजेक्शन करी, दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल्सो डन ट्रांजेक्शन इन यूएस, यूके। सो वो कर कैसे पाया, बिकॉज वो एक ग्लोबल कंपनी थी, ग्लोबल प्रेजेंस थी। और जब मुझे ईएक्सपी के बारे में पता चला, मैं अपने आप को सच में नहीं रोक पाया, मैंने भी अपना थोड़ा सा टाइम लगाया, 1-2 महीने का टाइम लिया, पूरी रिसर्च करी, ड्यू डिलिजेंस करी, एंड देन आई रियलाइज कि ये कंपनी एक मतलब बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी है, एंड आई डिसाइडेड टू यू नो जंप इनटू इट। और सॉथेबीज से पहले मैं कुशमैन वेकफील्ड में था, जहां पे आई वाज अ पार्ट ऑफ एडवाइजरी टीम, एंड वी यूज्ड टू एडवाइज दीज डेवलपर्स इन टर्म्स ऑफ यू नो सिक्योरिंग देयर फंडिंग्स, एनबीएफसी, बैंक्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स। तो इन सब से हम क्या करते थे, उनका फाइनेंस साइड पे तो उनको लैंडिंग अरेंज कराते थे, उनके प्रोजेक्ट लेवल की फाइनेंस अरेंज कराते थे। एंड ये करने में मेरे को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपोजर मिला फॉर डिफरेंट मार्केट्स इन इंडिया, चाहे हम बात करें बेंगलुरु की, चेन्नई की, बॉम्बे की, नॉर्थ में राजस्थान, दिल्ली। सो आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, बोर्न एंड ब्रॉट अप हेयर इन एनसीआर ओनली। तो दैट मेक्स माई लाइफ, और आई कैन से लाइक एक्सपोजर मिला इतना। पिछले 10 सालों से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, शुरुआत ब्रोकरेज से करी थी, लास्ट मैं ब्रोकरेज कर रहा था, तो मेरे को भी पता है कि क्या पेन पॉइंट्स होते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डिसाइड करा है, डिजाइन करी है, ये एक्चुअली एक लाइफ चेंजिंग है। मैंने अपने पिछले पूरे 10-11 सालों में मैंने कोई ऐसी कंपनी को नहीं देखा, इतनी सारी कंपनीज मैंने भी देखी है ब्रोकरेज की, किसी के पास ऐसे टूल्स नहीं है, किसी के पास ऐसा सीआरएम नहीं है जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैं छोटा फटाफट से अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सौम्या जो कि हमारे साथ कॉल पे भी है, ये हमारे साथ काम कर रही है ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे, जो कि इनका रोल बड़ा क्रूशल है। ये क्या करती है, मतलब सब पूरा प्रोसेस जो होता है, जब एजेंट आता है उसका क्वालिफिकेशन करना, उसको पूरा समझाना सिस्टम, और आपको ऑनबोर्ड करना, ये उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी भी कोई इशू है इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ यू नो एनी चैलेंज यू फेस, सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू सौम्या। एंड आई क्विकली वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस आदित्य ऑल्सो। आदित्य इज अनदर टीम मेंबर जो कि इंदौर से बिलोंग करते हैं। इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ही वर्क विद ऑल लीडिंग डेवलपर्स प्रायर ज्वाइनिंग ईएक्सपी। ही वॉज विद टाटा, ही वॉज विद शाहपुर जी, एंड ऑल्सो ही इज अ मास्टर्स, ही हैज डन हिज एमबीए इन रियल इस्टेट इटसेल्फ। दीपाली इज टेकिंग केयर ऑफ आर एडमिन कोऑर्डिनेशन इन लाइक शी इज द पर्सन जिन्होंने हम सबको बांध के रखा हुआ है, कोई भी मीटिंग्स होती है, कोई भी हमारे ऑपरेशंस हैं, हमारे वेबिनार्स हैं, उन सबको मैनेज करना दीपाली, सो शी इज अ वेरी की पर्सन, मैनेजिंग ऑफिस, मैनेजिंग यू नो ऑल आर डे। मानसी इज टेकिंग केयर ऑफ आर फाइनेंस, एंड शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। हाँ जी दोस्तों, शी ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस इन ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट, एंड बिफोर ज्वाइनिंग ईएक्सपी वो कीनिया में थी, एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ काम कर रही थी, और पूरा फाइनेंस इंडस्ट्री में है, एंड शी इज वर्क विद सिटी बैंक फॉर ऑलमोस्ट यू नो मोर देन 10 ईयर्स। सो अगर मैं बात करूं ओवरऑल इंडिया के बारे में, हमारे 6 लोग हैं, 5 लोग हैं हम स्टाफ, सब लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, मैं दिल्ली में हूँ, सौम्या गुड़गांव में है,
आदित्य इंदौर में है, मानसी बॉम्बे में है, दीपाली दिल्ली में है. तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वी आर वर्किंग यू नो रिमोटली एंड दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग. हमें फर्क नहीं पड़ रहा हम कहाँ पे हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे पास 700 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो कि ग्लोबल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में बैठे हुए हैं, और जो हमारे सारे ऑपरेशन है हम सब कुछ ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं. ये इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है. और जैसा कि मैंने बताया ग्लोबल टीम, माइकल के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, मेगन हमारे साथ थी, अभी मेगन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, एलिसन हमारी फाइनेंस डायरेक्टर हैं सारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस, सीलिया प्रोडक्ट लीड हैं जो कि हमारे पूरे सिस्टम टूल्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें देखती हैं, ग्रेचन इज अगेन यू नो एडमिन कोऑर्डिनेटर जो कि सारा कुछ मैनेज करती हैं, चेल्सी अगर मैं बात करूँ शी इज़ एक्सपर्ट इन मार्केटिंग एंड शी इज़ हैविंग मोर देन 10 years of experience and उन्होंने 30 से ज्यादा ब्रांड्स लॉन्च करे हैं, जो कि एक अपने आप में एक जो मैं कहता हूँ वर्ल्ड के मोस्ट रेनोन्ड ब्रांड की मार्केटिंग उन्होंने हेड करी थी बिफोर ज्वाइनिंग EXP. और इतना ही नहीं, हमारे पास 700 एम्प्लॉइज हैं जो कि 24 घंटे आपकी सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं. इनकेस आपको कोई अकाउंटिंग की जरूरत है वो आपका देखते हैं, फाइनेंस की जरूरत है वो आपका देखते हैं, प्लीज गो. तो मुझे पता है सब लोग बड़ा वेट कर रहे हैं, तो मैं अभी सौम्या को इन्वाइट करता हूँ. सोम्या प्लीज कुड यू प्लीज यू नो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड देन यू कैन जस्ट क्विकली टेक अस थ्रू व्हाट आर आवर ऑफरिंग्स एंड EXP मॉडल हमें क्या इंटरेस्टिंग बनाता है इंडिया के अंदर. बिफोर दैट लेट्स इनवाइट माइकल, ही हैज जॉइंड द कॉल विद अस. ओह इज इट, ओके. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर प्रेसिडेंट ग्लोबल एक्सपेंशन फॉर EXP रियल्टी माइकल वर्ल्डिस. सो माइकल आर यू देयर? I am here, Shashank. How are you? Can you see me? Love to see you, as usual. It's so great. My apologies for being tardy for this. It was a little unavoidable, but it's my pleasure to be here with all of you and to be able to participate in another webinar for EXP India. We are so incredibly honored to be able to have the brand in such a beautiful country. The idea that the brand will be literally changing lives in India. And it is something that I am honored to be a part of with this wonderful brand. I am so honored to have you, Shashank, as the leader in this beautiful country, to have the incredible team that we've been able to assemble, and to be able to do this now, this webinar, in your native language, which to me is just so wonderful to be a part of. Thank you so very much. Thank you for allowing me a few minutes to say hello to everyone. I appreciate that. Thank you, Michael, so much for taking time, you know, from your busy schedule and be here with us. It is my honor. Guys, yes. Yeah, जैसा मैंने बताया था माइकल के बारे में, सो माइकल इज यू नो समथिंग व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल एक्सपेंशन, आई थिंक ही इज द पर्सन टू गो टू. So Soumya, over to you quickly. It will be really helpful if you can, you know, explain everyone what are the benefits of EXP Realty in comparison to traditional brokerage. Yeah, sure. Thank you, Shashank, and welcome everyone. अब मैं आपको ये बताऊंगी हमारा traditionally real estate कैसे करता है. हम लोग ना एक office खोलते हैं, उसके अंदर हम लोग अपने employees रखते हैं, और इसके अंदर एक model ये होता है कि हमारा जो भी हम लोगों को brokerage आती है या जो भी बंदा grow करता है वो सिर्फ एक owner grow करता है. Owner अपने employees को grow नहीं करने देता है. EXP Realty के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो यू आर योर ओन बॉस. आप अपने तरीके से अपनी टीम मैनेज कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं. और हमारा एंड सिंस शशांक ने आपको ये भी बताया है दैट वी आर 100% कंपनी ओन्ड, वी आर नॉट फ्रेंचाइज ओन्ड. तो कोई भी ऐसे हिडन कॉस्ट या कोई भी ऐसे फ्रंट एंड कॉस्ट नहीं है जो हम आपसे डिमांड करते हैं कभी भी. हमारा एक ब्रोकरेज स्प्लिट है जो कि सिर्फ होता है अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस हिसाब से आप कंपनी हमारी कंपनी को थोड़ा सा एक रेवेन्यू देते हैं. एंड जस्ट इन केस आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं अभी यहाँ थोड़ा सा हमारा ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई भी ऐसी कोई कॉस्ट नहीं है जो हम आपसे लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज वेरी, आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो जस्ट एक घर पे बैठे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप हमारे 40,000 एजेंट्स के साथ उस एक नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं. तो अगर ऐसा कोई आपके पास प्रॉपर्टी या आपके पास कोई क्लाइंट है जो बोलता है मेरे को कनाडा में या मेक्सिको में प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप उस एजेंट बेस के पास जाके आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनके साथ एक अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, एंड देन यू कैन ट्रांजैक्ट द डील विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. आपको कोई अपना ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं है. बस घर पे बैठे बैठे आप सिर्फ इंडिया की नहीं, आप ग्लोबली ट्रांजेक्शन रन कर सकते हैं.
देन एक और इसके साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी हो जाता है कि हम लोग इंसेंटिवाइजेशन करने के लिए एक एजेंट को मोटिवेटेड रखने के लिए हम बोलते हैं कि एजेंट अपनी डाउनलाइन बना सकता है. तो अगर आपके पास कोई डाउन टीम है और वो भी कोई रेवेन्यू कर रही है या वो भी ईएक्सपी के साथ कुछ बिजनेस कर रही है, तो क्योंकि आप उसके इंट्रोडक्टरी एजेंट होंगे तो उसका भी आपको थोड़ा सा शेयर मिलेगा, विच इज समथिंग जो आगे शशांक आपको सारी चीजें बताएंगे. तो थैंक यू. मैं फटाफट से एक चीज बताना चाहूंगा बीइंग अ ब्रोकर. सो होता क्या था ना, पहले अगर हम किसी भी ब्रोकर की बात करते हैं, किसी भी एजेंट की बात करते हैं, ब्रोकरेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि एक छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं और कोई भी एक क्या कहते हैं ना, जो गली में भी कोई बंदा बैठा हुआ है जो ब्रोकरेज करता है, तो सबसे पहले सोचता है कि एक ऑफिस खोल लेते हैं छोटा सा, जिसमें वो मिनिमम 30,000-50,000 रुपए महीना, अगर हम बात करते हैं दिल्ली बॉम्बे में तो कम से कम 3-5 लाख रुपए महीना खाली रेंट देता है, या फिर हम परचेज कर लेते हैं जो कि एक हैवी कॉस्ट के साथ आता है, राइट. एंड देन वी स्टार्ट आर यू नो ब्रोकरेज बिजनेस. बट अगर आपसे मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या सच में क्लाइंट आके आपके ऑफिस से डील करता है? नहीं, आंसर इज नहीं. मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है. क्योंकि जितनी ट्रांजेक्शन्स हमने करी है, कोई 1-2 या मैक्सिमम 3 ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि कभी गलती से क्लाइंट चाहता है कि आपके ऑफिस आए और आके बैठ के वहां से ट्रांजेक्शन करे. क्योंकि जो क्लाइंट है वो चाहता है या तो वो प्रॉपर्टी पे जाए, प्रॉपर्टी देख के हाथ के हाथ वहां पे डिसाइड करे, किसी बिल्डर के ऑफिस में जाके बुकिंग करे, या फिर अपने घर पे जाके डील करे. तो मैंने जितने एक्सपीरियंस करा है, और मैं चाहूंगा आप सबने ये एक्सपीरियंस करा होगा कि शायद हमें ऑफिस की इतनी जरूरत नहीं होती है, बट हाँ हम इंडिया में एक थोड़ा सा रहता है कि दिखाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगा देते हैं. कुछ कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा पैसे लगा देते हैं ऑफिस में, बट एट द एंड ऑफ द डे जो काम होता है, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट यू नो स्ट्रीट जॉब. तो आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा उसको समझने के लिए और वो बिजनेस करने के लिए. और आप अगर ऑफिस खोलते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉस्ट हमारी होती है वो हमारा रेंट होता है, हमारा ऑफिस का एक्सपेंडिचर होता है. इतना ही नहीं, हम ऑफिस को मेंटेन करने के लिए एक ऑफिस बॉय रखते हैं, वो चाय पानी पिलाता है, उसका खर्चा होता है. फिर एक हम एक टेलीकॉलर रख लेते हैं जो कि मैनेज करती है, रिसेप्शनिस्ट रख लेते हैं. बट आइडियली देखें तो शायद उन सबका इतना बड़ा जरूरत ही नहीं है. और वो चीजें समझ के कंपनी ने आइडिया लगाया कि कैसे इस कॉस्ट को कम करें और सब कुछ वर्चुअल करें. अभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जब टाइम मिल रहा है अपनी साइट विजिट करो, जब आपको टाइम मिल रहा है आप जाके अपना इवेंट क्रिएट कर सकते हो, आप अपना कैलेंडर प्लान कर सकते हो, आप अपना हफ्ता प्लान कर सकते हो, क्लाइंट से मीटिंग्स प्लान कर सकते हो, सब कुछ वर्चुअल है. आप अपना मार्केटिंग कोलेटरल्स बना सकते हो, अपने बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करा सकते हो, आप मतलब मैं कह रहा हूँ अपना इनवॉइसिंग सब कुछ एक हम पैकेज दे रहे हैं यहाँ पे आपको. तो अब मैं बताता हूँ EXP इंडिया में क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है. यहाँ पे 4 तरीके हैं एक रेवेन्यू कमाने के. टिपिकली एक ब्रोकरेज जो होती है वहां पे केवल एक होता है कि ब्रोकरेज है. तो अगर मैं बात करूँ रीमैक्स की, कोल्डवेल बैंकर की, या किसी भी मतलब डोमेस्टिक प्लेयर की, तो वो क्या करते हैं, या तो वो आपको एम्प्लॉई पे हायर कर लेंगे, और एम्प्लॉई में आपको पता है अगर आपको सैलरी कोई आदमी 30,000 रुपए महीना दे रहा है तो वो चाहेगा कि आप, रियल एस्टेट बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 15 लाख रुपए महीने का बिजनेस करें. और अगर आप इसको साल का कन्वर्ट करेंगे तो आपको उन्होंने खाली 3.5 लाख रुपए दिए और आपसे बिजनेस कितना लिया, 1.5 करोड़ से ज्यादा का. तो आपको मैं खाली इतना सा बताता हूँ क्योंकि लोगों का यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, एजेंट्स को समझ नहीं है कि वो आपको केवल 5-10% दे रहे हैं और उसके ऊपर आपको एक कमीशन दे देते हैं. पर बुकिंग आपको 20,000-15,000 रुपए, कुछ भी नहीं है वो. बट जो इवेंचुअली जो ओनर है वो सारा प्रॉफिट लेके जा रहा है. इसके बाद में आता है कंपनी क्या करती है, सबसे ज्यादा आपको कमीशन की पॉसिबिलिटी देती है, 75% जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं. सो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आप रेवेन्यू करते हैं, उसमें 75,000 का रेवेन्यू आपका है पहले दिन से. कोई 40,000 नहीं है, कोई 30,000 नहीं है, और जो 25,000 है वो कंपनी को जाता है. इसके अलावा रेवेन्यू शेयर, जो रेवेन्यू शेयर मैं बताऊंगा, तो इन्होंने क्या करा है, तो बेसिकली ना एक बड़ा अच्छा इंसेंटिवाइजेशन मॉडल बनाया है. हर आदमी अपनी टीम बना के काम करता है, ग्रुप बना के काम करता है. अब उसमें होता क्या है कि टीम काम करती है, उसके बाद में वो निकल जाते हैं, टीम मेंबर्स या ग्रुप है वो छोड़ के चले जाते हैं, आपको कोई फायदा नहीं होता है इवेंचुअली. यहाँ पे कंपनी ने क्या करा है, यहाँ पे ना रेवेन्यू शेयर की स्कीम रखी हुई है. रेवेन्यू शेयर में क्या होता है, अगर आप किसी एजेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका भी जो स्प्लिट होगा कंपनी से, और वो भी आके कंपनी में जुड़ता है, वो 75-25% का स्प्लिट रहेगा. आपको उसके शेयर से कुछ नहीं है, कंपनी का जो 25% आ रहा है कंपनी उसमें से आपको इंसेंटिवाइज करती है 3.5-5% डिफरेंट लेवल्स पे. हाँ जी, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बना सकते हैं, अपने अपनी टीम को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, नो मैटर 10,000. एंड यही रीजन है जो कंपनी देख रही है, कंपनी की ग्रोथ इतनी ज्यादा है, बढ़ते जा रही है. एंड इससे फायदा क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है अपने आप में. आज हम
200 लोग हैं अगर इंडिया में, तो आपसे एक महीने के अंदर हो सकता है अगले एक साल में हम 2,500 लोग हैं। तो 2,500 लोग आप समझ सकते हैं खाली इंडिया इंडिया में, कोई भी बिल्डर है, कोई भी क्लाइंट है, आपको एक ऐसी एक्सपर्टीज मिल जाती है जो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, राइट, किसी भी मार्केट में, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरसीज ऑल्सो। थर्ड जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया था, दिस इज अ एजेंट ओन्ड कंपनी, यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और एक एडवांटेज मिलती है बीइंग अ ईएक्सपी एजेंट। आप अपने कमीशन का एक छोटा सा पोर्शन, 5% 75% घरना ले जाके 5% आप रीइन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के ग्रोइंग स्टॉक्स में, जिससे फायदा क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कंपनी का स्टॉक जो था मार्च में $14 पे था, $14 पे था, और कल रात में या आज सुबह की मैं बात करता हूँ तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो $76 है। गाइस इसे कन्वर्ट करके देख लो आप इंडियन रुपीज में, 700 रुपए पहुंच गया है। कहां से? सो गाइस ये 700 से ऊपर आपका पहुंच गया है विद इन 6 महीने के अंदर। वो ग्रोथ होने का रीजन यही है क्योंकि कंपनी की ग्रोथ हो रही है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, एजेंट्स आ रहे हैं, ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी बढ़ रही है। तो इसमें क्या है, आपको बीइंग अ ईएक्सपी एजेंट, आपको एक एडवांटेज ये होता है, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट पे इक्विटी अलॉट होती है उस दिन के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना देना है। तो अगर $60 की चीज आपको 55 पे मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 रुपए का उसी दिन, जिस दिन आप इन्वेस्ट करें उसी दिन फायदा है। ये जो प्रोग्राम है इक्विटी वाला, शेयर होल्डिंग वाला, ये पूरा का पूरा कोई कंपल्शन नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका मन है, इच्छा है कंपनी में, हर लोग चाहते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लान करना, उन लोगों के लिए आप कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ना भी करें, आप अपना पूरा कमीशन लेके जाएं। एक जो सबसे बड़ा चीज बनाता है, इसको बनाता है आइकन स्टेटस। आइकन स्टेटस हो गया जो कि हमारे मेगा परफॉर्मर होते हैं, हर बिजनेस में, हर कंपनी में कोई ना कोई होता है जो सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। तो कंपनी क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको अवार्ड देती है और उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। तो ये आइकन स्टेटस मिलने पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपने कंपनी को दिया है पैसा 25% के तौर पर, कंपनी आपको वो भी वापस कर देती है इक्विटी के तौर में। तो मैं, कुड यू प्लीज गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी बात आती है नंबर की। अब मुझे पता है सब लोगों को बड़ा उत्सुकता है जानने की क्या है, कैसे हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो ज्वाइन करने की फीस है, कोई ऐसे यहाँ पे ना आपको लाखों रुपए कोई मांग नहीं रहा है। एक सिंपल वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि आपके अकाउंट्स वगैरह एक्टिव करने के लिए कंपनी चार्ज कर रही है, बहुत ही नॉमिनल लगाया है। एक टाइम का मील अगर हम लोग जाते हैं बाहर खाने तो 2,500 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, 2,500 रुपए का हमने एक वन टाइम ज्वाइनिंग फीस लगाई है। उसके बाद हमने मंथली क्लाउड फीस रखी है पर एजेंट 2,500 रुपए। तो ये क्या है, बेसिकली जब भी कोई एजेंट जुड़ता है हमसे तो 2,500 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराता है और उसके बाद में जब तक वो सिस्टम में रहना चाहता है उसको 2,500 रुपए महीना पे करने होंगे हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, ऐसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख रहा हूँ, जो लोग लिख रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन का हम फटाफट से खत्म करके आपके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले दिन से 75% जो कमीशन होगा आपका वो एजेंट को जाएगा, 25% कमीशन जो होगा आपका कंपनी को जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा 1,00,000 रुपए कमाता है, 75,000 एजेंट को, 25,000 रुपए कंपनी को जाएगा। इसके बाद में ये 25% तब तक जाएगा जब तक आप मैक्सिमम 15,00,000 रुपए कंपनी को ना दे देंगे। तो मोटा मोटा आप ऐसे समझे, अगर एक साल में किसी एजेंट ने 60,00,000 रुपए का कमीशन कमाया तो उस कमीशन में से 15,00,000 रुपए ही आपको कंपनी को देने हैं, वो हुआ आपका 25% और 45,00,000 रुपए आपके पास चले गए। उस 60 लाख के बाद में अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको केवल एक फ्लैट ट्रांजेक्शन फीस देनी है जो कि 30,000 रुपए। तो फॉर एग्जांपल 60 लाख के बाद में आपकी कोई ट्रांजेक्शन हुई 10,00,000 रुपए की, तो उस 10,00,000 में से केवल कंपनी को आपको 30,000 रुपए देने हैं और बाकी का पूरा 9,70,000 रुपए आपका है, कंपनी को आपको 1 रुपया नहीं देना है। तो ये इसको एक बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। किसी भी ब्रोकरेज में कोई कोल्डवेल बैंकर, कोई भी कंपनी ना आपको ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती है। दूसरा, इसके बाद में अगर आप आइकन बन जाते हैं जो मेगा परफॉर्मर है तो उसके केस में क्या होता है, आपका वो भी जो पर ट्रांजेक्शन फीस है वो 15,000 रह जाती है। तो कम आपको बस कंपनी को 15,000 रुपए देने हैं और यू कैन टेक ऑल द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। अब जो हमने रेवेन्यू शेयर की बात करी थी, अब मैं उस पर आता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाना चाहता हूँ। तो किसी एजेंट ने अगर 10,00,000 रुपए का कमीशन कमाया और वो एजेंट आपने कंपनी में इंट्रोड्यूस कराया है अपने लेवल वन पे, लाइक आपका जो आपने डायरेक्ट उसको रिक्रूट करा है और उसने कल को कोई ट्रांजेक्शन करी, जो आप अपना कमा रहे हो वो तो आप कमा ही रहे हो अपनी ब्रोकरेज से, बट जो आपका नेटवर्क में आपने इंट्रोड्यूस कराया किसी एजेंट को, अगर कल को वो भी ट्रांजेक्शन करता है
उसको उसका 75 मतलब 7.5 लाख रुपए मिलेगा 75% के हिसाब से 10 लाख का, और 2.5 लाख रुपए कंपनी को जाएगा। कंपनी क्या करेगी, उसमें से अपना कंपनी रिजर्व बचा के आपको 3.5% वापस कर देगी। तो 3.5% का मतलब हो गया 35,000 रुपए आपको मिल गए। जी हाँ, पर एजेंट एक साल के अंदर मैक्सिमम आप 2,10,000 रुपए तक कमा सकते हो, जो कि इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। इस लेवल पे आपके 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 1,000 लोग कितने भी हो सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट प्लीज। सो जैसे मैंने बताया, आप लेवल वन पे 2,10,000 रुपए पर एजेंट मत कमा सकते हो। उसके बाद में जो सेकेंड लेवल होगा उस पर आप 2,40,000 रुपए, जो कि परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो लेवल वन पे 3.5% है, लेवल टू पे 3.8% है, तो ऐसे लेवल सेवन तक जाता है। लेवल सेवन तक आप बेनिफिट उठा सकते हो। प्लीज नीचे। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे कोई हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, कोई एमवे नहीं है। यहाँ पे आपको एजेंट्स चाहिए जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जो कि एक्चुअली लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। वो सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं बिकॉज आप उनको कंपनी से ला रहे हैं, कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कंपनी आपको इंसेंटिव दे रही है, जो कि आपकी ग्रोथ में एक एडिशनल इनकम बनाता है। और दूसरा, आपको एक टीम को बिल्ड करने में साथ देता है। कल को वो भी आपकी तरह कोई लोगों को जोड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ये लेवल सेवन तक, कल को आपने एक बंदे को लाए, उसके नीचे वो 4-5 लोगों को ले आया और आप उनको बनाते रहे, आपने टीम साइज बना लिया। तो पर एजेंट लेवल सेवन पे आप 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 40 एजेंट इंटू 3 लाख आप मैच कर सकते हैं, 1,20,00,000 रुपए। मैंने खुद ने US में एजेंट्स हैं जिनके मैंने अकाउंट्स देखे हैं, जो कि लिटरली हर महीने 600,000। तो 600,000 को मोटा मोटा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करोड़ रुपए महीना उनका रेवेन्यू आ रहा है केवल रेवेन्यू शेयर से, क्योंकि उनकी टीम में कुछ 800,000 एजेंट्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं है, हो सकता है ये बनाने में टाइम लग जाए, बट अभी हमने इंडिया में एंटर करा है, इंडिया में मार्केट है, हमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। रेरा की एक मैं बात करूंगा, जो छोटा सा मैं भूल गया था आप सभी को, एक बड़ा अट्रैक्टिव फीचर है जो कंपनी आपको दे रही है। तो एज ए इंडिविजुअल एजेंट आज आपके आपको ना एक रेरा लेना होता है टू डू द ट्रांजेक्शन इन प्राइमरी प्रोजेक्ट्स, कोई भी आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाएंगे, और वो एक कोस्ट के साथ आता है। कंपनी ने, मैं आपको बताता हूँ, 12 स्टेट्स में ऑपरेशन शुरू करें और 12 स्टेट्स का रेरा अप्लाई कर दिया पहले दिन बिफोर लॉन्च। ऑलरेडी रेरा हमारे आ गए हैं जिसमें कि हमारी सारी मेजर सिटीज कवर्ड है, चाहे वो हैदराबाद है, बेंगलोर है, कोलकाता है, गुजरात, अहमदाबाद है, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा। तो इफ़ यू सी, यू नो, एक आपको बिना कुछ करे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं किसी भी बिल्डर को कोई भी प्रॉपर्टी। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे एक एजेंट चाहिए जो कि मेरा जो क्लाइंट है, क्योंकि वो दिल्ली से है और वो बैंगलोर गया है, उसके बच्चे बैंगलोर गए, उनको वहाँ पे घर खरीदना है, बट वहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, किसी बिल्डर से डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रेरा कंप्लाइंस। यहाँ पे क्या है, कंपनी सब कुछ दे रही है, सारा सिस्टम सेंट्रल है, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉट ओनली इन इंडिया, आप कहीं भी बेच सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जो 15 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट करे थे और आप आइकन एजेंट बन जाते हैं, तो उसके में होता क्या है कि कंपनी आपको 15 लाख रुपए वापस कर दे दिया, क्योंकि आप एक मेगा परफॉर्मर और आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो जीरो मिल जाती है। जो आपने कंपनी को पैसे दिए हैं वो भी कंपनी आपको वापस कर देती है एज अ इक्विटी के तौर में, जो कंपनी की इक्विटी देगी। तो जैसा मैंने बताया, कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स उनके एजेंट्स हैं, तो आप भी वो बन सकते हैं। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसने 30,000 रुपए लगाए थे, मैं मोटा मोटा रुपए की बात करता हूँ, आज की डेट में उनकी रुपए की वैल्यू 1,70,000 रुपए केवल और केवल 6 महीने के अंदर। ये हमने ग्रोथ देखी है। जैसा मैंने आपको बताया, एजेंट इक्विटी प्रोग्राम होता है, आपका मन है तो आप इस प्रोग्राम में जा सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है, आपको कोई कंपल्शन नहीं है, आप नहीं भी करें, अपना पूरा कमीशन ले जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कल को आपका एजेंट जो आपने रिक्रूट करा है वो पहली ट्रांजेक्शन करता है, तो कंपनी आपको एज ए अवार्ड दे देती है 9,500 तक की वैल्यू का। तो जो भी इसके शेयर्स बनेंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सब कुछ सिस्टम सेंट्रलाइज है, सब कुछ आपको ऑनलाइन दिखता है। तो सोम्या, कुड यू प्लीज गो नेक्स्ट। सो मैं सोम्या, आप बिकॉज ये सब लोगों को ट्रेनिंग देते हो, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप फटाफट से इसको एक्सप्लेन करें। एंड थैंक यू शशांक। तो अपार्ट फ्रॉम द 4 रेवेन्यू मॉडल्स जो अभी आपको शशांक ने बताया, और आपको रेरा के बारे में भी बताया कि आपको एज एन एजेंट रेरा नहीं लेना है, हम लोग एज अ कंपनी रेरा लेंगे, सो दैट आप बेझिझक हमारे इंडिया में किसी भी एरिया में किसी भी सिटी में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आप इस बेनिफिट के साथ साथ हम ना आपको एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में हमारे लिस्टिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली होते थे 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स, जिसके पास हम लोग
अपनी प्रॉपर्टी अपलोड करते थे और फिर हमारे पास लीड्स आती थी, पर हम इसके ईएक्सपी एक अपना इनहाउस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म भी जेनरेट किया है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं और हमारी लीड्स अपार्ट फ्रॉम 99 acres एंड मैजिक ब्रिक्स इसके साथ भी आएंगी. और एज एन इंडिविजुअल एजेंट, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी लेवल पे टाई अप कर रखा है 99 acres और मैजिक ब्रिक्स के साथ, तो एज एन इंडिविजुअल एजेंट आपको वो छोटे छोटे पैकेजेस लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है. दैट इज समथिंग दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, हम लोग इस सिस्टम के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी लीड्स कैसे जनरेट होते हैं, आप उस लीड्स को ट्रैक कैसे कर सकते हैं. हम आपको CRM भी देंगे कि अगर आपको कोई अपने कैलेंडर डालना है या आपने कोई फॉलो अप कॉल है या कोई फॉलो अप मीटिंग है उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा उसका जरूर. फिर यहाँ पे बैठे बैठे अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे आप अगर एक सिटी में है पर किसी दूसरी सिटी में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आप उसका कोई ओपन हाउस करना चाहते हैं या आप उसकी कोई वर्चुअल प्रॉपर्टी व्यूइंग करना चाहते हैं, तो आप वो वाली चीज भी बुक कर सकते हैं बहुत आराम से यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन दिस सिस्टम आप एक एजेंट को दूसरे एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन मूव हो सकती है. तो रेफरल ट्रैकिंग का भी हमारे पास एक इंतजाम है. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज एन इनहाउस सॉफ्टवेयर और ये आपको लीड जनरेशन में, लीड ट्रैकिंग में हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जस्ट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप अपने उस प्रॉपर्टी का एक डाउनलोडेबल ब्रोशर भी बना सकते हैं जो कि फिर आप व्हाट्सएप या ईमेल पे अगर आपने किसी क्लाइंट को सर्कुलेट करना है तो आप वो कर सकते हैं. फिर हमारी जो भी लीड्स वगैरह आएंगी वो हमारी डायरेक्टली CRM में आएंगी. एंड ये जो भी आपके पास लीड जाती है ना, ये बिल्कुल लीक होने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है क्योंकि हर किस एक एजेंट के पास एक उनका इंडिविजुअल यूजर नेम आईडी होता है और हम उनके अलावा और किसी के पास उस लीड्स का कोई एक्सेस नहीं होगा. सो दिस इज 100% टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, 100% ट्रांसपेरेंट एंड 100% सिक्योर. तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत चिंता वाली बात नहीं है कि हमारी लीड किसी और के पास जाएगी, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो कहीं और पर ट्रांसफर हो जाए. फिर आप जब आपके पास एक खुद की स्टैटिक वेबसाइट होगी जहाँ पे आप अपनी बायो डाल सकते हैं, आपके जो पेजेस, अगर आपका कोई यूट्यूब पेज है तो आप उसको सिंक कर सकते हैं, आपका कोई लिंक्डइन हैंडल है आप उसको सिंक कर सकते हैं, ताकि जैसे हम लोग उस पे आइकन पे क्लिक करें तो वह डायरेक्टली आपके लैंडिंग पेज पे चला जाए. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, आप Shashank, are you saying something? Yeah, so मैं I would like to add something here. So guys, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बात करें कि जो 2500 रुपए महीना दे रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्रोकर अगर कोई 99 acres का पैकेज लेता है, तो एक क्वार्टर का पैकेज होता है जो कि 300 लिस्टिंग तक आप डाल सकते हैं, और वो भी एक नॉर्मल जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो आपको कॉस्ट करता है 45,000. और डिपेंड करता है कौन सी सिटी में ले रहे हैं, अगर आप बॉम्बे में ले रहे हैं वही पैकेज तो आपको 65-67 का पड़ेगा, दिल्ली NCR का ले रहे हैं तो शायद वो आपको 70 तक भी पड़ता है 500 लीड्स का. तो गाइज आप देख रहे हैं मतलब एक छोटा सा वैल्यू एडिशन जो कि आप लिटरली आप खर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा एक वैल्यू प्रोपोजिशन मिल जाता है. और नॉट ओनली 99 acres, अभी हमारा क्या है मैजिक ब्रिक्स के साथ भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा जनवरी के अंत तक, वो खाली एक टेक्नोलॉजी के बीच पे हमारा काम चल रहा है. उसके अलावा वी आर एज वी ग्रो इन द लाइक मार्केट, तो हमारा कुछ और पोर्टल्स हैं जो कि सक्सेसफुल पोर्टल्स हैं उनके साथ टाई अप करने का विचार है. मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है, हमने ये सबसे पहले 99 acres चुना और या फिर मैजिक ब्रिक्स चुना, क्योंकि ये मार्केट के लीडर्स हैं, ये आपको अफोर्ड करने के लिए आपको कम से कम नहीं तो पूरे साल के 10 से 15 लाख रुपए देने पड़ते हैं जस्ट टू गेट सम लीड्स. एंड यहाँ पे आपको एक वैल्यू एड मिल रहा है क्योंकि आपको खाली एक जगह लिस्टिंग करनी है, ऑटोमेटिकली इन चैनल्स पे जा रही है, प्रीमियम लिस्टिंग जा रही है जो कि आपकी कॉस्ट को, आपकी लाइफ को बड़ा सेव कर देता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो CRM है वो एक तरीके से डिजाइंड है जो कि हमारा US में, कनाडा में चलता है, और आपको पता है वहां के मार्केट कैसे काम करते हैं. सब कुछ बड़ा सिंपल है, आपको अपनी प्रॉपर्टी सोशल मीडिया पे शेयर करनी है, आपको कोई लीड जनरेशन करनी है, सब कुछ एक वन स्टेज सॉल्यूशन है. यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, मेल किसी भी क्लाइंट को अपनी एक बायर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. तो बड़े अच्छे टूल्स हैं, जैसे हम कोई एजेंट ज्वाइन करता है इन सब चीजों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है. मैंने अभी एक क्वेश्चन भी देखा था जिसमें लिखा था कि कैसे लिस्टिंग करें, लिस्टिंग करने का बड़ा सिस्टम सा सिंपल सा प्रोसेस है जिसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है जैसे ही आप ऑनबोर्ड करते हैं, जितने टूल्स हैं सबकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है. तो सौम्या, कैन वी गो नेक्स्ट? Yeah, so I also wanted to add that apart from this, we also give the documentation and other supports. मतलब ये तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे बिजनेस के अंदर बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत सारे वैल्यू एडिशन भी होंगे.
एंड जस्ट एज शशांक सेड, आपके पास जो जो सॉफ्टवेयर जैसे जैसे चीज होगी उन सबका ट्रेनिंग हम कंडक्ट करवाएंगे एंड आई मीन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. आप सब लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा, कोई ना इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई लोग नहीं है जो आपको ये ट्रेन करें. और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे मार्केट में, जो कि हमारा मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी कैसे भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, कुछ गलत हो रही है, ट्रांजेक्शन छूट जाती है एजेंट से, तो उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम मिस्टेक कर देते हैं, जिनका हमें भी पता नहीं होता है. तो उसके लिए क्या है, ईएक्सपी की खुद एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे वर्चुअल एनवायरमेंट में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ईएक्सपी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको 700 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन है. जब भी आपका मन है, वीकली के वीक के वीक में आपको बता रहा हूँ, 100 से प्लस, लाइक 100 आवर्स प्लस ट्रेनिंग होती है. अलग अलग सेशन चलते रहते हैं किसी मार्केट के स्पेसिफिक, तो आप वहां जा सकते हैं, आप उनसे जाके ना बेसिकली सुन सकते हैं, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं. इसके अलावा जो इसको बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है वो है हमारा वर्क प्लेस. सो वर्क प्लेस में आपको बताता हूँ दोस्तों, दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू आर यूजिंग, जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, फेसबुक. तो इट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम फेसबुक, जहाँ पे कि हमारे ऑलरेडी जो 40,000 एजेंट हैं, आप विश्वास कीजिए 40,000 एजेंट पूरे वर्ल्ड में आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, जिसे हम वर्क प्लेस बोलते हैं. आप इजीली किसी भी को भी अप्रोच कर सकते हैं, नो मैटर कि आप कनाडा में प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या फिर आप न्यूयॉर्क में, यूएस के न्यूयॉर्क में, या फिर फ्लोरिडा में, या फिर यूके में, कहीं पे किसी में भी, और इंडिया में. फॉर एग्जांपल आपने गोवा में बेचना है, बॉम्बे में बेचना है, आपने जाना है, बस एजेंट सर्च करना है, आपको सारे एजेंट्स आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी. तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने रेफरल्स ट्रैक कर सकते हैं. इन सब के लिए हमारे पास फी लेटर्स हैं, रेफरल एग्रीमेंट है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी ना आए. कोई भी हमारे अनाउंसमेंट होते हैं उनके बेसिस पे सब कुछ एक एक सिंपल एक आपके मोबाइल पे आ जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी ने लिटरली ब्रिक एंड मोर्टार ऑफिस की कोस्ट खत्म कर दी है. हमारे पास हमारा खुद का ऑफिस है जो कि वर्ल्ड में है. एक ऐसा होता है कि जैसे आप एक कोई वीडियो गेम खेलते हैं, आप जाते हैं, एंटर करते हैं, ये हमारा आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड में ऑफिस है. जैसे आप देख रहे हैं शशांक वशिष्ठ एक्सपेंशन लीड, ऐसे ही सौम्या का केबिन है, ऐसे ही मेरा है. आपने अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करना है, आप उनको बुला सकते हैं, एक मीटिंग रूम बुक कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे बहुत सारे वर्चुअल इवेंट्स चलते रहते हैं, जैसे अभी क्रिसमस की पार्टी हुई थी. तो आप सोच रहे हैं कोविड में बैठ के सब लोग, 1500 से ज्यादा एजेंट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम सब लोग एक साथ थे, वहाँ डीजे चल रहा था, मतलब इट्स ऑल वर्चुअल. मतलब यू वॉन्ट बिलीव, हमें ये जूम की जरूरत नहीं है, हमें गूगल मीट्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारा इनबिल्ट है. एक हमने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया है, अगर आपने अकाउंटिंग की जरूरत है तो आप जाके अकाउंट्स पे पूछ सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन कमीशन के बारे में पता कर सकते हैं. सिस्टम बड़ा क्लियर है, जिस दिन कंपनी के तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है. जैसे मैंने बताया ऑफिसेज हैं, इसमें कोलैबोरेशन स्पेसेस हैं, बोर्ड रूम्स हैं, एक्सपो हॉल्स हैं, कंसर्ट अगर हमारे करने, जैसे मैंने बताया आपको. साथ में इसी के साथ इसको बड़ा इंटरेक्टिव बनाता है, हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट भी है, हमारे पास फुटबॉल स्टेडियम्स भी है, हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम भी वी आर प्लानिंग. तो हो सकता है, मतलब दिस इज द फ्यूचर वी हैव क्रिएटेड. तो अगर आपको ये देखना है डेमो, आप जाके गूगल पे, यूट्यूब पे डाल सकते हैं एक्सपी रियलिटी वर्ल्ड डेमो, यू विल फाइंड. तो जैसा मैंने आपको बताया, इसके साथ में कंपनी आपको मार्केटिंग की भी कोलेटरल्स देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस कार्ड आप कस्टमाइज करा सकते हैं, कभी भी आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज को अपने क्लाइंट्स को भेजना है, न्यूज़लेटर आप बना सकते हैं, साथ में आप अपने ना जो कहते हैं को ब्रांडेड ब्रोशर्स बना सकते हैं. ये आप देख रहे हैं ईएक्सपी ग्लोबल इंडिया, आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा. जब आप क्लाइंट को भेजते हैं ना, एक वैल्यू एडिशन चेंज हो जाता है. जब आप क्लाइंट से मिलते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे 40,000 एजेंट है, मैं ग्लोबल कंपनी हूँ, थोड़ा सा ना सोच बदल जाती है उसकी, वो सोचते हैं अच्छा ही इज अ ट्रस्टेड गाय. और जो स्पेशली वही क्लाइंट अगर उसने यूएस में ईएक्सपी के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदी है, और जब उसको पता चलेगा इंडिया में भी ईएक्सपी का एजेंट है, तो आपके पास सर्च करेगा, क्योंकि जितने एनआरआईज हैं 1 करोड़ से 3 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे ही खरीदते हैं. और हमने पिछले लॉकडाउन में देखा भी, इनफैक्ट ऑल दीज बिल्डर, चाहे वो गोदरेज है, चाहे वो लोधा है, सुपरटेक है, 15 से 20% जो सेल्स हुई है वो आपकी एनआरआई मार्केट से हुई है. प्लीज गो अहेड. So guys, हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं रीजस, रीजस बिजनेस सेंटर, उनका हमारा ग्लोबल टाइप है. अगर आपको कभी कोई मीटिंग करनी है, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो आप जा सकते हैं रीजस सेंटर में. बॉम्बे में आप उनके कॉमन एरियाज की कर सकते हैं. अगर आपने मीटिंग कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप उनको बुक कर सकते हैं. डेलोइट इज आर ऑडिटर. योगी एंड पार्टनर्स हमारे लीगल काउंसिल हैं. सिटी बैंक हमारे, एक सिटी बैंक इज अ ग्लोबल बैंकर जो कि हमारा सारी ट्रांजेक्शंस वगैरह मैनेज करेंगे. अभी इसके बाद में हम डेवलपर लेवल पे टाई अप करने वाले हैं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेवल पे.
उसको मार्केट करेंगे जैसा कि आपने देखा हुआ है, उनसे जो लीड जनरेशन होंगी वो आपको मिलेंगी डायरेक्टली. सो वी आर वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स एज वी ग्रो इन दिस कंपनी. सो गाइज, नाउ आई वुड लाइक टू यू नो ओपन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो वी हैव 10 मिनट्स, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस. सो सबसे पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है, हाउ टू लिस्ट द प्रॉपर्टीज. सो गाइज, प्रोसेस बहुत सिंपल है. हमारा सिस्टम है CRM है, आपने बस एक बार जाके प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करनी है. ऑटोमेटिकली इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट चैनल्स एंड प्रोसेस बहुत सिंपल है. इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है जब आप ज्वाइन करते हैं. सौम्या इज देयर, पूरी टीम यहाँ पे है, आदित्य इज देयर, यू नो इन केस अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट है, वी आर हेयर टू हेल्प यू, ट्रेन यू. इसके अलावा जो हम वीकली ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें आपको खाली यही नहीं, हम आपको ये भी बताते हैं कैसे आपको किस पॉइंट पे आपको ट्रांजेक्शन के फी लेटर साइन कराना चाहिए, कैसे आपको अपनी एक्सक्लूसिव लिस्टिंग सिक्योर करनी चाहिए. नॉट ओनली सेकेंडरी मार्केट में सबसे ज्यादा होता है, ब्रोकर्स को जब ट्रांजेक्शन शुरू होती है तब आपका परसेंटेज कुछ तय होता है और जब ट्रांजेक्शन खत्म होती है तो लोग आपको कमीशन में थोड़ा कम ही देते हैं. यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक ऑप्शन है कि सब कुछ आप पहले तैयार करके रख लें. और लिस्टिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक जगह आपको लिस्ट करना है, ऑटोमेटिकली वो 99 एकर्स पे भी जाएगी, मैजिक ब्रिज पे भी जाएगी और अदर वेबसाइट पे भी जाएगी, और वहां से जहां से भी जो लीड्स आएगी वो सीधे आपके CRM पे आएगी, आपके मेल पे नोटिफिकेशन आएगा, आपके मैसेज पे आएगी. सो दिस मेक्स इट वेरी सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन में लेना चाहूंगा, डज द क्रॉस कंट्री रेफरल प्रोग्राम वर्क ऑन अ ट्राई पार्टीट बेसिस और इट्स जस्ट बिटवीन द ब्रोकर्स? If that the case, how does EXP ensure financial understanding in a secure transaction? Guys, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी ना एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है जिसपे वी कैन ऑल्सो ट्रैक रेफरल्स. सपोज देर आर टू एजेंट्स इन्वॉल्व एंड बायर इज फ्रॉम इंडिया न्यू डेली एंड जो बायर है वो न्यू डेली से है और जो सेलर है ही इज इन यू नो फॉर एग्जाम्पल देर इज अ स्टेट इन टेक्सस, वो टेक्सस में कहीं पे है एंड वहाँ पे सेलर का एक एजेंट है, इधर एक बायर का एजेंट है. तो सिस्टम वी कैन ट्रैक यू नो अ रेफरल सिस्टम कि हमने ये भेजा है, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आप एक कमीशन पहले अग्री कर लेंगे कि ओके मेरा स्प्लिट इतना रहेगा, जो सेलर का कमीशन मिल रहा है उसमें से मेरे को इतना स्प्लिट मिलेगा. जनरली मैं आपको बता देता हूँ, US में जो कमीशन होता है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, एनीवेयर फ्रॉम 3 to 5%, डिपेंड करता है सेलर एजेंट. वहाँ पे क्या होता है, जो बायर का एजेंट होता है सेलर एजेंट अपने हिस्से में से उसको शेयर करता है, स्प्लिट करता है ब्रोकरेज. तो वहां पे भी आपको फायदा है, यहाँ पे आपको बायर से मिल रहा है, वहां पे वो सेलर से मिल रहा है. सो जस्ट फॉर दैट आई वुड आल्सो लाइक टू यू नो टेक सम इनपुट्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन सी, हेलो शशांक, आई हैव फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट एग्जैक्ट हाउ ही विल डू इट थ्रू, आई हैव नॉट सीन योर कंप्लीट CRM. सो विपिन का ये क्वेश्चन है एंड ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि आपका CRM कैसे काम करता है. तो सर CRM को मैं बता देता हूँ, जैसे आप ज्वाइन करते हैं आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है. मैं कह रहा हूँ हर वीकली ट्रेनिंग होती है, अगर आपने एक बार में समझ नहीं आता है आप दोबारा पूछ सकते हैं, दूसरी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तब भी आप पर्सनल लेवल पे कॉल करके समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल है. कमीशन विल बी डिसाइडेड. सो कमीशन मैं आपको बताता हूँ सर, कंपनी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है क्योंकि इंडिया का मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट चलता है. US में क्या है, 3-5% फिक्स्ड है, इंडिया में पता नहीं है. प्राइमरी में क्या होता है, जो आप बिल्डर का प्रोजेक्ट बेच रहे हैं तो कहीं 2% से लेके 7-10% तक भी जाता है. तो वहां पे आपके ऊपर है, जो भी आप कमीशन बुक कर रहे हैं वहां पे 75-25% का होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो 75-25 पैसे का स्प्लिट हो रहा है, अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो आपका 7.5-2.5 रुपए का स्प्लिट हो रहा है, 2.5 रुपीज का स्प्लिट हो रहा है. अब थर्ड क्वेश्चन किसी ने लिखा है, हाउ आई गेट दिस प्रॉपर्टी अंडर माई लिस्टिंग एज अ ब्रोकर. देखिए हर एजेंट, आप कोई भी मार्केट में काम करते हैं, सेकेंडरी में, प्राइमरी में, आप बिल्डर से टाइप करते हैं, वहां से आपको प्रॉपर्टी मिलती है जो आप लिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको लीड्स आती हैं, तो उसके लिए आप पैकेजेस खर्च करते हैं. यहाँ पे क्या है, कंपनी वो सब कुछ कर रही है, आपको लीडिंग लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है आपकी. आपकी लिस्टिंग के लिए आप जितनी लिस्टिंग में इन्फॉर्मेशन डालेंगे उतना ही आपका SEO अच्छा होगा, उतना ही आपका ऊपर जाएगी प्रॉपर्टीज. तो इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी लिस्टिंग्स हैं. जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन करा है उनको पिछले 15 दिन में 20 दिन में 2-2, 3-3, 4-4 लीड्स आ चुकी हैं. कुछ इंटरनेशनल एजेंट्स हैं जिनके पास क्लाइंट्स थे, उन्होंने अप्रोच किया. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक एजेंट ने एक प्रॉपर्टी डाली जो कि एक हाई एंड प्रॉपर्टी थी दिल्ली के अंदर और उसकी वैल्यू मतलब 100 करोड़ से ऊपर की थी, जो कि एक बहुत ही रेयर होता है. तो वहां पे डालने का रीजन उसका था कि उसको इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए थे. तो वहां से एक एजेंट था कोई हमारा US बेस्ड, उसने उसको अप्रोच करा क्योंकि उसके पास एक बायर है. अब सपोज करिए अगर वो ट्रांजेक्शन हो जाती है तो मतलब बिना कुछ करे आपको इतना बड़ा एक अच्छा क्लाइंट मिल जाता है. तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, देर आर
एजेंट्स जिनको 99 एकर से भी लीड्स आ रही है, जिनको हमारी प्रॉपर्टी से भी लीड आ रही है. तो सिस्टम इज वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर. यहाँ पे ये नहीं है कि आपको पैसा दे दिया रीमैक्स की तरह और आपने ना मतलब कभी आपको सपोर्ट नहीं मिला कंपनी से. कंपनी आपको नेट टू नेट सपोर्ट देती है हर चीज में. फिजिकली सो गाइज, फिजिकल तो जब भी आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब एजेंट आपका वर्चुअली प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं. कुछ ना कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि आपका फिजिकली विजिट करना चाहते हैं. तो बस खाली कंपनी आपको यही बोलती है आप अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करें और फिजिकली उनको साइट विजिट कराएं. बस ये आपको कराना है. इसके अलावा बाकी जो भी प्रोसेस है, चाहे वो इनवॉइसिंग है, मार्केटिंग कोलेटरल है, आपका अकाउंटिंग है, आपका यू नो लिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, बार बार आपको एंट्री नहीं करनी. आप अपने नेटवर्क में डाके एक जगह पोस्ट कर सकते हैं, 40,000 एजेंट को दिखेगी प्रॉपर्टी. इसके अलावा हमारे खुद के सोशल मीडिया हैंडल है जिसपे हम प्रमोट करते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं. अगर आप ओवरऑल देखेंगे वो सिस्टम बनाने में लोगों को ना लाखों रुपए लग जाते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता. मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, एक ब्रोकरेज मैं जानता हूँ कितने सारे लोगों को जिन्होंने 5 साल हो गए वो पैसा लगाए जा रहे हैं SEO पे, पर आज भी उनकी लिस्टिंग, आज की भी उनकी प्रॉपर्टी जो है और जो उनकी वेबसाइट है वो कहीं 1,000 पेज पे आ रही है गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं, या कहीं पे मतलब 30th स्पॉट पे आ रही है या फिर फ्रंट पेज पे आ ही नहीं पाती है. उसका रीजन है क्योंकि कंपनी आप कितना भी लगा लें, देर आर सो मेनी बिग कंपनीज जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं इन सब चीजों पे. सो गाइज, आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हाट आई हैव सीन. लेट मी सी इज देयर एनी अदर फर्दर क्वेश्चंस. So Soumya, can you see some questions apart from this? I tried to answer most of them. Let me just. Okay, guys. I don't think so. I have some more questions. So quickly, abhi hamare paas hain 2-4 minutes. Yeah. Soumya, could you please scroll down? Thoda niche karenge. Ab scroll karenge. Can you see my screen? Yeah. Yeah, so is this okay? Wait, let me take some questions by my own. Is that okay? Yeah, better. Okay, so now we have some. Okay, can you please explain the 25% EXP share out of GCI commission mentioned virtually perhaps by a broker? So guys, GCI means जो भी आप commission total कमा रहे हैं ना. So for example, अगर आपने जैसे मैंने पहले बताया था 1,00,000 रुपए आपने कमाए, उस 1,00,000 में से 75,000 रुपए आपको मिल जाते हैं जैसे आपकी transaction होती है, company को पैसा मिलता है. जो 25,000 रुपए होते हैं, जो 25% होता है, वो GCI का मतलब आपका जो 25% है वो कंपनी में जाता है. कंपनी क्या करती है, उसमें से अपने एक्सपेंसेस और अपने ऑपरेशंस निकाल के, आधा निकाल के और बाकी का रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है आपके ऊपर वाले एजेंट्स के नेटवर्क में. सो जो कि इसको बड़ा अट्रैक्टिव बना देता है. अपार्ट फ्रॉम योर ब्रोकरेज यू कैन ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम दीज कमीशंस. व्हेन यू से द लीड्स वुड कम फॉर 99 एकर, सो मैं देयर इज अ क्वेश्चन reporting of listings these sites directly or will the broker need to use these separate. So Yatin, I'll answer this question. So jaisa ki maine bataya, hamara CRM apne aap mein itna advanced hai ki jo bhi aapko listing dalni hai keval aapko ek bar system mein dalni hai and then you no need to worry about it, right? And ऑटोमेटिकली आपका 99 एकर्स पे भी जाएगा, मैजिक ब्रिक्स पे भी जाएगा, कल को कोई भी हमारा नया पोर्टल आता है उस पर भी जाएगा. तो आपको बार बार नहीं डालना है, जो भी लीड्स आएंगी वो डायरेक्ट आपके CRM पे आएंगी. इज देयर अ प्राइमरी सप्लाई सोर्सिंग प्लान? यस डेफिनेटली. किसी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी, तो हाँ जी सर, कोशिश पूरी है हमारी भी. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ क्रेडिबल डेवलपर्स के साथ, हम पैन इंडिया पे रीजनल लेवल पे टाइप करेंगे. और आपको पता है अगर आप एज ए इंडिविजुअल टाइप करते हैं तो आपको शायद वो 2-3% देते हैं जो नॉर्मल स्लैब होता है, बट एज अ कंपनी करते हैं तो आपका जो स्लैब होता है वो भी ज्यादा होता है. By system using so guys, जैसे किसी ने पूछा है मेरे को कि is there any reminder for the monthly fees? Yes, we do have a reminder. So जैसे ही आपका जिस डे को आप ज्वाइन करते हैं, so for example आप 5 तारीख को ज्वाइन करते हैं तो आपको 5 तारीख को नेक्स्ट मंथ पे आपको रिमाइंडर आएगा कि ओके आपके पेमेंट ड्यू है. और
कोशिश यही कीजिएगा कि जो भी ज्वाइन करता है टाइम से करे, नहीं तो उस पर पेनल्टी पड़ती है आपको, इतनी ज्यादा नहीं है बट फिर भी इट्स बेटर टू टेक यू नो पे. वुड रिक्वेस्ट इफ यू कुड एक्सप्लेन द रेवेन्यू शेयर वंस अगेन. तो गाइज मैंने रेवेन्यू शेयर फिर से समझाया है, जैसे हम आएंगे जैसे आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ तो पूरी ट्रेनिंग होती है. इसके अलावा अगर आपको रेवेन्यू शेयर और समझना है एग्जैक्टली सेम है जो हमारे यूएस यूके कैनेडा मार्केट में है तो आप जाके उसके ट्यूटोरियल वीडियोज देख सकते हैं. वो वीडियोज हमने नहीं डाले, जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपने फीडबैक रिव्यूज डाले हुए हैं और आपको स्प्लिट पूरा सब एक्सप्लेन किया हुआ है. और इसके साथ ही साथ जैसे ही कोई भी एजेंट हमारे साथ जुड़ता है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है रेवेन्यू शेयर के लिए भी. So guys, I think I have answered most of your questions. So there's a international agent, उन्होंने शायद पूछा हुआ है what is RERA. So sir, RERA is a real estate regulatory authority license. So basically, Indian government ने क्या किया था, just to gain the trust of consumer and also safeguarding the interest of agents as well as developers. So उन्होंने क्या करा था, RERA introduce कराया है May 2017 से. पहले उन्होंने डेवलपर के लिए किया था, उसके बाद एजेंट्स के लिए कराया. किसी भी एजेंट ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करनी है स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टी या फिर कोई न्यू डेवलपमेंट या बिल्डर के साथ काम करना है तो यू हैव टू प्रेजेंट योर RERA. अभी क्या कर रहे हैं स्टेट्स गवर्नमेंट्स, तो RERA हर स्टेट में अलग होता है. और अगर आपने ब्रोकर एज अ ब्रोकर काम करना है दिल्ली में तो आपको दिल्ली का RERA लेना पड़ेगा, अगर आपने बॉम्बे जाके काम करना है तो आपको महाराष्ट्र का लेना पड़ेगा. तो बट अगर कोई एजेंट हमारा साथ जुड़ता है तो उसको सेपरेट RERA लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी बिलिंग EXP के नाम से होगी. तो आप EXP के अंडर और EXP का RERA यूज करके आप बिजनेस कर सकते हैं. इज दिस समथिंग वन कैन पार्ट टाइम वाइल कीपिंग देयर फुल टाइम जॉब? सो मैं आपको बताता हूँ ये इट्स अप टू यू, क्योंकि कंपनी की गाइडलाइन जो कहती है, कंपनी ये कहती है कि आपको किसी और ब्रोकरेज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए बीइंग अ एथिकल. सो अगर आप किसी और बिजनेस में हैं, अगर आप टीचर हैं तो शायद आप इसको कर सकते हैं क्योंकि एज पर द रूल इंडिया में ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोई पढ़ाई करनी चाहिए रियल इस्टेट ब्रोकरेज करने के लिए. और रही बात RERA की तो वो कंपनी के अंडर हो सकता है, तो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी. और बेटर यही है सर, फुल टाइम लगेंगे तो बेसिकली क्योंकि दिस इज अ प्रोफेशन यू आर बिल्डिंग, सो आई ऑलवेज सजेस्ट टू यू नो कीप इट फुल टाइम एंड टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच वी आर प्रोवाइडिंग टू सपोर्ट यू ओनली. सो अभी किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉपर्टी लिस्टिंग एंड बायर एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट दैट इज यूज्ड इन इंडिया. सो गाइज इंडिया में मार्केट इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, द मार्केट इज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड हियर इन इंडिया, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू नो फी लेटर जस्ट टू सिक्योर योर कमीशन. हम सबको एडवाइस करते हैं जैसे कि आप कोई लिस्टिंग डाल रहे हैं आप बायर से सेलर से अपनी लिस्टिंग आप अपनी सिक्योर करें, कमीशन सिक्योर करें, चाहे वो आपको 1% दे रहा है, 2% दे रहा है, 3% दे रहा है. उससे होता क्या है, कल को अगर कोई एक्शन लेना होता है तो एज अ कंपनी एज अ एजेंट वी कैन डू दैट. एंड एटलीस्ट at the end of the day jab aapko written mein paper sign kara lete hain to you have proof to you know back it. So we are also taking or trying to make it organized. Will the lead have a responsive timeline for a broker to claim the same or it is basis listing ownership? Yes, Yatin, for your answer, definitely, you know, this is more driven to your property specific. Agar aapki property pe lead aa rahi hai to wo aap hi ko mil rahi hai. Agar company koi project level pe leads de rahi hai aur wo aapke paas aa rahi hai to bhi wo aap hi ko mil rahi hai. To everything main aapko sabko bata dena chahta hu, system is designed in such a way ki aapki ek ek cheezon ko na sab kuch manage kiya ja raha hai, aapko support diya ja raha hai. और आइडिया ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाए. एनी सपोर्ट इन अ क्लोजर ऑफ द क्लाइंट्स ओवर कॉल्स इफ नॉट द साइट विजिट? सो गाइज अल्टीमेटली क्लाइंट इज योर पर्सनल यू नो थिंग, बट वी हैव अ टीम लाइक ट्रांजेक्शन स्पेशलिस्ट हु कैन सपोर्ट यू इन सिक्योरिंग फी लेटर्स, पुटिंग लिस्टिंग्स, यू नो क्लोजर्स ऑल्सो, रिकॉर्डेड योर ट्रांजेक्शन इन द सिस्टम. सबके लिए हमारे पास सपोर्ट में बंदे हैं. So Donna, thank you so much. Manish, what is the physical property is in Bangalore or Pune and the agent is based in Delhi? What will the procedure? So इसमें होगा क्या सर, अगर आप चाहते हैं आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट है बैंगलोर का तो आप अपने नाम से भी लिस्ट कर सकते हैं बैंगलोर में प्रॉपर्टी और पुणे में, और आप चाहें तो किसी पुणे के एजेंट के साथ टाई अप करके कोलेबरेट करके आप उसको एज अ ज्वाइंट लिस्टिंग ले सकते हैं और आपका जो रेवेन्यू होगा वो स्प्लिट हो जाएगा. अगर आप नहीं चाहते किसी से स्प्लिट करना, आप अपने नाम से भी स्प्लिट आप प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एज अ ब्रोकरेज वी हैव अ RERA लाइसेंस फॉर ऑल दीज थिंग्स. How will EXP be any different on MB99? Sir, हम तो listing distribution channel नहीं है. किसी ने पूछा है कि क्या इसको different बनाता है Magic Brick 99 acre या housing से. So it's not only we are a one-stop solution. It's not only we are just giving you leads. We are giving you a process. We are giving you a system, a CRM where you can track everything, all the process, you know.
ऑल योर लीड्स, आपकी सेल्स प्रोग्रेशन है. आप बहुत सारी बार क्या होता है, हम ज्यादा ट्रांजेक्शन्स में होते हैं तो भूल जाते हैं, लीड्स आती हैं, मिस हो जाती हैं. यहाँ पे सब कुछ एक रिकॉर्ड बनकर रह सकता है. आपको एंड टू एंड आपकी मार्केटिंग, इनवॉइसिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, सब कुछ हम देख रहे हैं एंड टू एंड. आपने बस अपनी ट्रांजेक्शन पे फोकस करना है और क्लाइंट्स को एंटरटेन करना है. सो गाइज, आई थिंक ये किसी इंटरनेशनल बंदे का क्वेश्चन है कि रेरा लाइसेंस. सो हमारे इंडिया में क्या है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव अ रियल एस्टेट लाइसेंस एज ऑन डेट, बट इफ यू आर सेलिंग अ प्राइमरी प्रॉपर्टी और सर्टेन यू नो पीपल ऑल्सो इन एवरी स्टेट हैज देयर डिफरेंट लॉज एंड यू नो रूल्स एंड रेगुलेशन. बट अभी क्या है, रेरा का इंट्रोडक्शन कर दिया, रियल एस्टेट लाइसेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय देम. सो टू ज्वाइन EXP यू डोंट रिक्वायर्ड टू हैव अ रेरा लाइसेंस. इफ इट्स अब अगर आपके पास है तो इट्स वेल इनफ अंटिल, और आपने अपनी पूरी प्रोफाइल बतानी है कि कितने आपने ट्रांजेक्शन करी है. कोई फ्रेशर है वो भी हमें यूज कर सकता है, सीख सकता है, कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं. बेस्ट प्राइस टू यूज दैट लाइसेंस, व्हाट इज द कॉस्ट? सो कॉस्ट डिफर करती है हर एजेंट, हर एरिया के. एजेंट के केस में क्या होता है, कहीं 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक है, बट इफ यू टॉक अबाउट अ ब्रोकरेज इट कैन वेरीज फ्रॉम 50,000 टू 3 lakh rupees. Yes, that's a huge cost which company has already implemented. एक और छोटा सा example, किसी ने question पूछा हुआ है कि अगर किसी के पास कोई अपना नाम है brokerage का तो वो कैसे होगा. तो guys, we respect your, you know, your company, your business. तो आप क्या कर सकते हैं उस case में, you can write it as XYZ properties powered by EXP or you know XYZ properties brokered by EXP. This is going to be a co-branded thing. So aapka brand dilute bhi nahi hoga aur aapko ek brand strengthen banega. That means aap ek global company ke sath tie up kar chuke hain with getting the license. So time depend karta hai RERA mein, kahin 15 din se leke 1.5 mahine 2 mahine ka time lag jata hai. So guys, ye license wali as such requirement India mein nahi hai. How can we earn passive income from this? So guys, jaise maine aapko bataya, passive income is something, you know, when you are not doing transaction but your downline, your agent you have recruited, your team you have recruited is doing transaction, aapko uska bhi share mil raha hai. Per agent aap 2,10,000 se 3 lakh rupaye saal tak kama sakte hain. So that is a kind of passive income. Apart from that, you can invest in the company. Jo bhi aapne paisa कमाया उसका एक छोटा सा पोर्शन 5% आपने रीइन्वेस्ट कर दिया, एंड देन यू नो यू आर गेटिंग योर मनी इज लिटरली ग्रोइंग. जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपको एक गारंटी है, आप तो एक एज ए ईएक्सपी एजेंट आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है. दूसरा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो ट्रिमेंडस है, आप जाके चेक कर सकते हैं ग्रोथ. जैसा मैंने डिस्कस किया था पहले, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड. वट इज If one try EXP for a month and then don't continue. So guys, obviously we are not restricting you. This is something which we are, you know, taking a commitment from you guys. Agar aapko achha lagta hai services, you can do it, continue it. Aur agar aapko nahi lagta hai, to you can just put a written notice and, you know, you can exit from the system. So again, rejoin karna hai, to uska sir ek system hai ki aap ek time duration ke liye aap dubara se join nahi kar sakte hain. So we have kept our system very clear and transparent for that. So guys, I think it's a very wonderful session and I can say thank you so much for your questions. I hope maine sabke questions ka answer de diya hai and I really do appreciate for your time. And this is already, we are already close our time. So thank you so much guys. In case agar aapke koi questions hain, queries hain, so aap jaake hume likh sakte hain. You can reach out to us. I am typing my Just a second. I'm typing my number here. Your details are there on the presentation, Shashank. I'm sure everybody can see it. Okay. Yeah. So my details are there. So you can take a screenshot of it. You can reach out to me. You can write your questions to me. And then we can take up. जिस लोगों को भी अपने आप को रजिस्टर करना है, तो आई सजेस्ट यू गाइस गो टू आवर वेबसाइट expglobalindia.co.in. जो ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है हमारी, इस पे आप जाके वहां पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. 2 मिनट लगेंगे रजिस्टर करने में, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. विद इन अ वीक्स टाइम आप लोगों की ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाती है और आप अपना लिस्टिंग करना शुरू करते हैं. पहले दिन से आपको सारे एक्सेस मिल जाता है सब चीजों का. So I think that makes your life, you know, really good. Ek last question aaya kisi ka, will small town realtors have access to? Yes, that's the beauty, you know, technology aapko koi restrict nahi kar sakti. Yahan pe aap Dehradun se bhi koi agent hamare sath jud sakta hai, koi Manali se bhi baith ke kaam kar sakta hai. Kisi ko koi restriction nahi hai. कोई भी कहीं से भी बैठ के डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे साथ काम कर सकता है. सो गाइज, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच. आई कैन सी यू नो अभी खत्म भी नहीं हुई प्रेजेंटेशन एंड वी हैव मोर देन 40 प्लस पार्टिसिपेंट्स हियर. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम इन दिस इवनिंग एंड लिसनिंग टू अस.
And we really look forward to working with you all. Thank you, guys. Have a good day. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you, guys.